सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो है मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। सो ये बीए थर्ड के सिलेबस का पार्ट है, पेपर थ्री। इट इज़ यस पेपर थ्री, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, जिसमें यूनिट वन है आपका द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, मीनिंग, नेचर एंड स्कोप, राइट। सो आज के जो हमारा सिलेबस का ये फर्स्ट यूनिट का हम फर्स्ट पार्ट करेंगे, जो है आपका मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। सो इसको करने के लिए मैं एक तरीका बता दूं आपको कि जैसे मुझे आपको ये टॉपिक करना है, तो मैं एक बेसिक सा फ्रेमवर्क बनाती थी जब मुझे सेमेस्टर्स के एग्ज़ाम देने होते थे, कि मुझे इतना बेसिक चीज़ें तो अपने आंसर्स में इंक्लूड करनी है, क्योंकि अगर आप 5-6 पेजेस का आंसर बना लेते हो तो आपको याद नहीं रहेगा। 5-6 पेजेस आप कितना भी उन्हें रट लें, 5-6 पेज का आंसर आपको याद नहीं रहेगा, मुझे जो लगता है। ये पॉसिबल नहीं है ना कि आप 5-6 पेज के कितने आंसर्स बनाएंगे, 20 आंसर्स बनाओगे, और 20 पेज आप 5-5 पेजेस कर लो, कितना होता है, 100 पेजेस क्या याद रख पाएंगे आप? नहीं रख पाएंगे। तो इसके लिए हमें ज़रूरी होता है कि हम जो 20 क्वेश्चंस निकालते हैं इम्पॉर्टेंट, हम उनका बेसिक फ्रेमवर्क बना लें, कि जैसे मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, ये एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा हमारे पेपर में, तो हमें इसमें मिनिमम चीज़ें डालनी ही डालनी है, और इन्हीं को हमें एक्सप्लेन करना है। तो मैंने एक फ्रेमवर्क बना लिया, अभी मैं डिटेल में कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगी, डोंट वरी अबाउट दैट, बट मैं आपको बेसिक सा बता दूं कि हम इसको अप्रोच कैसे करेंगे। तो पहले हम इसको बेसिक कंक्लूजन देंगे, जो हमारा ये डिटेल्ड कंक्लूजन है जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी। कंक्लूजन देने के बाद नेक्स्ट सब हेडिंग रहेगी, सॉरी इंट्रोडक्शन देने के बाद नेक्स्ट हेडिंग रहेगी मीनिंग एंड डेफिनेशंस, जो हमारे क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो मीनिंग और डेफिनेशन में मैं इंक्लूड करूँगी, पहले तो डिफाइन करूँगी कि व्हाट इज़ इंटरनेशनल रिलेशन। इसके बाद मैं पामर एंड पार्किंस की डेफिनेशन लूँगी कि इनके अकॉर्डिंग इंटरनेशनल रिलेशन क्या है। फिर नेक्स्ट कुछ और स्कॉलर्स हैं जैसे हंस जे मॉर्गेंथाउ, इनकी डेफिनेशंस लूँगी कि इन्होंने इंटरनेशनल रिलेशन को कैसे डिफाइन किया है। नेक्स्ट क्वेंसी राइट, जैक्सन एंड सॉनसेन का, गोल्डस्टीन का, तो ये सारे कुछ फेमस पॉपुलर स्कॉलर्स हैं जिनकी डेफिनेशंस को मैं इंक्लूड करूँगी अपने आंसर में। तो ये मेरा हो गया मीनिंग और डेफिनेशन से रिलेटेड, राइट। नेक्स्ट है नेचर, नेक्स्ट क्या पूछा है आपका, नेचर। ये तो नेचर में मुझे क्या चीज़ ऐड करना है कि चेंजिंग नेचर कैसे है इंटरनेशनल रिलेशन का, जिसमें मैं बताऊंगी कि ये डायनेमिक नहीं है, ये चेंजिंग नेचर है। फिर मैं बताऊंगी कि इसका जो इंटरनेशनल रिलेशन का नेचर है, ये इंटरडिसिप्लिनरी है, मतलब ये सिर्फ एक आइसोलेटेड सब्जेक्ट नहीं है, कई सारे डिसिप्लिन्स के साथ इंटर रिलेटेड है, जैसे इकोनॉमी के साथ में, सोशियोलॉजी के साथ में, कल्चर के साथ में, राइट, ऐसे पॉलिटिक्स के साथ में, बहुत सारी साइकोलॉजी के साथ में, फिलोसफीज के साथ में, ये क्या है, इंटरकनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है। क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन आपको पता है बहुत सारे फैक्टर से डिसाइड होता है, कि इकोनॉमी किसी कंट्री की कैसी है, कल्चरल रिलेशन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है, इस हिसाब से आपस में कंट्रीज इंटरकनेक्टेड होती हैं। तो नेचर में मुझे इंटरडिसिप्लिनरी ये वर्ड लाना ही लाना है। फिर इसमें स्टेट प्राइमरी फैक्टर्स होते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन में आप किसका स्टडी करोगे, स्टेट का करोगे ना, तो स्टेट इज़ द प्राइमरी एक्टर। फिर नेशनल इंटरेस्ट एंड पावर आर द कोर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, ये वर्ड मुझे लाने हैं। स्ट्रगल फॉर पावर, ये लाना है पॉइंट। कॉन्टीन्यूस इंटरेक्शन एमंग द नेशन स्टेट, एनालिटिकल एंड एम्पेरिकल स्टडी ऑफ थ्योरी बिल्डिंग। तो नेचर में मुझे इतने सब पॉइंट्स लाने हैं, ये जो मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं, और इन्हीं को मैं वन बाय वन करके थोड़ा थोड़ा एक एक पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर दूंगी। 6-6, 7-7 लाइन आपको लिख देनी है इनमें। नेक्स्ट चलते हैं स्कोप, स्कोप के बारे में। तो अब स्कोप के बारे में मुझे क्या चीज़ें लानी है कि स्कोप क्या है इंटरनेशनल रिलेशन का, दायरा क्या है, क्या चीज़ें स्टडी करते हैं। तो बिहेवियर ऑफ द स्टेट हम स्टडी करते हैं, रोल ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स,
क्वेश्चन ऑफ वॉर एंड पीस स्टडी करते हैं, फॉरेन पॉलिसी हम स्टडी करते हैं, नेशन स्टेट के बारे में स्टडी करते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को स्टडी करते हैं, ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज को करते हैं, रोल ऑफ पीपल इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, फिर थर्ड वर्ल्ड, ये सब क्या है, बेसिक एरियाज हैं जिनका स्टडी किया जाता है इंटरनेशनल रिलेशन के में। इसमें और भी बहुत सारे हो सकते हैं, ये लिमिटेड नहीं है, और भी बहुत हो सकते हैं जिसमें आप लास्ट में मिसलिनियस करके डाल सकते हो। इसके बाद मैं बताऊंगी कि इम्पॉर्टेंस या पर्पस क्या है हमारा इंटरनेशनल रिलेशन को पढ़ने का। लास्ट में हम कंक्लूजन लिखेंगे और हमारा आंसर द एंड हो जाएगा। गेटिंग इट? तो हम इंटरनेशनल रिलेशन की जितने भी कॉन्सेप्ट हैं हम उनको क्वेश्चन आंसर में ही डील करेंगे, जिससे कि आपको सेमेस्टर्स में लिखने में आसानी रहे, कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाए और हम क्वेश्चन आंसर्स कैसे स्ट्रक्चर करेंगे वो भी समझ में आ जाए आपको। तो होप सो आपको अब तरीका समझ में आया होगा कि हमें अप्रोच कैसे करना है। तो जब भी आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ रिवीजन करने के लिए, उसमें आप इतनी चीज़ें बस इंक्लूड कर लो कि मीनिंग और डेफिनेशंस में मुझे क्या ऐड करना है, नेचर में क्या ऐड करना है, स्कोप में मुझे क्या ऐड करना है, बाकी चीज़ों को आप बस समझ लो और अपने वर्ड में वहाँ पर जाकर एक्सप्लेन कर दो, लिख दो, राइट? तो आप मुझसे बार बार PDF मांगते हैं, तो PDF से प्रोवाइड करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, मैं बहुत इजीली प्रोवाइड कर दूं, लेकिन बस बीइंग अ स्टूडेंट और बीइंग अ टीचर मेरी रिकमेंडेशन आपको यही रहेगी कि आप इसमें थोड़ा सा अगर अपने हैंड रिटन खुद के नोट्स बनाएं। अब इतनी सी एक पेज का नोट्स बनाने में आपको गाइस कितना टाइम लग रहा है, इतना नोट्स बनाने में आपको हार्डली 10 से 20 मिनट्स लगेगा, और जब खुद के नोट्स होते हैं तो आप उन्हें जब मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करते हैं तो बहुत ईजी हो जाता है। तो सेल्फ मेड नोट्स प्रिफर करें आप, मेरी रिकमेंडेशन आपको यही है कि खुद के नोट्स बनाओ, खुद पढ़ाई करो। तो चलिए अब इस वीडियो को, इस कॉन्सेप्ट को जो मीनिंग नेचर एंड स्कोप है, इसको डिटेल में समझते हैं कि क्या है। तो पहले हम करेंगे कंक्लूजन। सो इंटरनेशनल रिलेशन लिटरली रिफर्स टू इंटर रिलेशनशिप ऑफ द स्टेट। ये क्या है? इंटर रिलेशनशिप ऑफ द स्टेट है, उसके बारे में हमें एक्सप्लेन करता है। सो देयर इज अ नो स्टेट इन द वर्ल्ड टुडे दैट इज कम्प्लीटली सेल्फ सफिशियंट और आइसोलेटेड। सो जो इंटरनेशनल या वर्ल्ड पे जो स्टेट है वो कोई भी सेल्फ सफिशियंट नहीं है, ना ही कोई आइसोलेटेड रहकर रह सकता है। ये क्या है? आपस में इंटरडिपेंडेंट है, किसी की कुछ नीड्स हैं, किसी के पास कुछ सरप्लस है, तो वो आपस में एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं और एक दूसरे की नीड्स को पूरी कर रहे हैं, राइट? ईच स्टेट इज डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, गाइस, राइट? सिंपल सा बैकग्राउंड दे दिया हमने। सो इन द इंटरनेशनल एरेना इंटरडिपेंडेंस हैज बीन क्रिएटेड बिटवीन दी स्टेट्स। तो आप देखोगे इंटरडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंसी, ये सारे वर्ड बार बार आएंगे आपको, तो ये चीज़ें आपको लाना भी है, राइट? नेक्स्ट है कि जो इंटरनेशनल रिलेशन है, इन द व्यू ऑफ दिस इंटरडिपेंडेंस ऑफ अ स्टेट अ सेपरेट टॉपिक इज कॉल्ड इंटरनेशनल रिलेशन। अब इसको डिटेल में देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ आती हैं। जैसे इट वॉन्ट टू स्टैब्लिश पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इन द वर्ल्ड थ्रू कोऑपरेशन एंड अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट्स एंड वॉर्स। सो इंटरनेशनल रिलेशन सेपरेट एकेडमिक डिसिप्लिन कैसे इमर्ज हुई, हम एक बैकग्राउंड ये भी देंगे कि जो IR है वो इमर्जेंस में कैसे आया। सो एकेडमिक डिसिप्लिन इमर्ज होता है आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जहाँ पर डिक्री ऑन पीस ऑफ द सोवियत यूनियन 1917 एंड 14-point प्रिंसिपल्स जो US के प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन ने दिए थे 1918 में, ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स कंसीडर किए जाते हैं इंटरनेशनल रिलेशन के फाउंडेशंस के। फिर आप आगे चलकर देखेंगे कि जो फर्स्ट यूनिवर्सिटी चेयर थी, जो जिसका नाम था वुड्रो विल्सन चेयर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, और ये इस्टेब्लिश की गई थी यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ वेल्स इन 1919। तो सेपरेट डिसिप्लिन यहाँ से, एकेडमिक डिसिप्लिन का इमर्जेंस आपका होता है इन दो मेजर पेपर्स के साथ में, लेकिन ये पहली बार इंडिपेंडेंट चेयर स्टाफ या इंस्टीट्यूशंस जिसे कह सकते हैं आप, पहली बार इस्टेब्लिश किया गया था यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ वेल्स 1919 में,
राइट right. तो ये बेसिक फाउंडेशन, बेसिक इंट्रोडक्शन या बैकग्राउंड हो गया किसका, इंटरनेशनल रिलेशन का, जिसे आप इंट्रोडक्शन में ऐड करेंगे. तो होप सो आपको समझ आया होगा कि इंट्रोडक्शन में कोई भी, एक तो पहले बता दो कि जो नेशन स्टेट है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, इसलिए उनको एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है, और यही चीज़ क्रिएट करता है इंटरडिपेंडेंस रिलेशनशिप को, जो जिसे हम इंटरनेशनल रिलेशन कहते हैं. इंटरनेशनल रिलेशन आपको बात करता है कि पीस को कैसे इस्टेब्लिश किया जाए, प्रॉस्पेरिटी कैसे लाई जाए वर्ल्ड में थ्रू दी कोऑपरेशन, और कॉन्फ्लिक्ट एंड वॉर को कैसे अवॉइड किया जाए. फिर आप ये वुड्रो विल्सन्स 14 पॉइंट प्रोग्राम्स, फर्स्ट यूनिवर्सिटी चेयर, ये सारे आप चीज़ें इंक्लूड कर दो बैकग्राउंड के रूप में. तो आपका बहुत ही बेहतरीन जो इंट्रोडक्शन है या बैकग्राउंड है वो तैयार हो जाता है. इतना मोर देन एनफ है, राइट. अब आप अपने नोट्स बना लो ना, 2-3 लाइन लिखनी है नोट्स पे, बाकी तो आप अपने शब्द में जाकर वहाँ पर एक्सप्लेन कर दो. एक तो पहले इंटरडिपेंडेंसी, फिर दूसरा ये कर लो 14 पॉइंट प्रिंसिपल्स वुड्रो विल्सन के एंड डेक्री ऑन पीस ऑफ द सोवियत यूनियन, फिर फर्स्ट यूनिवर्सिटी चेयर वेल्स में, कॉलेज ऑफ वेल्स इन 1919. हो गया आपका इंट्रोडक्शन. अब नेक्स्ट चलते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन की तरफ, राइट. मीनिंग, तो हम कुछ डेफिनेशन जो मैंने यहाँ कंटेंट में बताई थी कि हम कुछ मीनिंग्स को लेंगे, जैसे पामर्स एंड पाकिन, मॉर्गेंथाउ की, तो यहाँ पर डेफिनेशन देखते हैं. सो इंटरनेशनल रिलेशन क्या है, एक सेपरेट कैरिकुलम डिस्कसेस इंटरनेशनल इवेंट्स, वर्ड्स एंड इशूज बिटवीन स्टेट्स, राइट, एंड आर डिस्कस्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम. इट मेन टॉपिक्स आर द रोल ऑफ द स्टेट, international organizations, non-governmental organizations and multinational corporation. So both, आप देखोगे कि जो academic and government policy field है, it can be either empirical or normative. या तो theory के form में होगा या तो empirical होगा. And as this branch of knowledge is used in both foreign policy analysis and formulations, तो ये सारे काम कहाँ पर आते हैं, आपका foreign policy analysis and formulation करने पे. So there is a no specific definition of the international relations. Expert have defined it on their perspective. So different जो scholars हैं उन्होंने different तरीके से international relation को define किया है, कोई एक particular single definitions नहीं है. तो आप देखेंगे कि आगे चलकर हमने एक background बना दिया कि कोई particular definition नहीं है, तो हम multiple definitions को include करने वाले हैं. तो पहली popular definition है Palmer and Parkins की. So most important name in the international relation because of their relevance in terms of definitions and subject matter international relations. Okay? According to them, international relation discusses the forces, pressures, processes that control the nature of human life activities through in all human and group relation in the world community. तो ये डिफाइन करते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन क्या है. इंटरनेशनल रिलेशन वो चीज़ है जो डिस्कस करती है फोर्सेस को, प्रेशर को, प्रोसेस को, जो ह्यूमन लाइफ एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं, कहाँ पर, वर्ल्ड कम्युनिटीज़ पे, राइट. सो दैट इज़ द डिस्कशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन इन्वॉल्व बोथ पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल इशूज़. तो ये हो गया पामर एंड पार्किंस की डेफिनेशन. नेक्स्ट चलते हैं हंस जे मॉर्गेंथाउ. तो हंस जे मॉर्गेंथाउ को आप देखेंगे कि ये जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसको डिफाइन करते हैं कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है इंक्लूड एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल रिलेशंस एंड प्रॉब्लम ऑफ पीस अमंग नेशंस. इट इज़ अ स्ट्रगल फॉर एंड यूज ऑफ पावर अमंग नेशंस. तो हंस जे मॉर्गेंथाउ को रियलिस्ट थिंकर कंसीडर किया जाता है, और ये इंटरनेशनल रिलेशन को पावर के डायमेंशन या पावर के पर्सपेक्टिव से डिफाइन करते हैं. नेक्स्ट चलते हैं क्वेंसी राइट. इंटरनेशनल रिलेशन इंक्लूड्स रिलेशन बिटवीन मैनी एंटिटीज ऑफ अनसर्टेन सबरेनिटीज, बेसिक सी डिफिनेशंस है, एंड दैट इट इज़ नॉट ओनली द नेशंस विच इंटरनेशनल रिलेशन सीक टू रिलेट. बहुत सारी अनसर्टेन सबरेनिटीज़ हैं, मतलब सवरेन कंट्रीज हैं जिनके बीच का रिलेशन है ये.
तो वरी टाइप ऑफ ग्रुप, नेशन, स्टेट, गवर्नमेंट, पीपल, रीजन्स, अलाइंसेस, कन्फेडरेशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं यहाँ पर, वो एक दूसरे के साथ में डील करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं. नेक्स्ट है जैक्सन एंड सोरेनसन की डेफिनेशंस, कि इन्होंने कहा है कि एट वन एक्सट्रीम द स्कॉलरली फोकस इज एक्सक्लूसिवली ऑन स्टेट्स एंड इंटर स्टेट रिलेशन, बट एट अनदर एक्सट्रीम IR इंक्लूड्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट हैज टू डू विथ ह्यूमन रिलेशन. तो ये और ब्रॉड डेफिनेशन देते हैं IR की. IR उन सभी चीज़ों को इंक्लूड करता है जो ह्यूमन रिलेशन से अक्रॉस द वर्ल्ड रिलेटेड है. तो ये थोड़ी ब्रॉड डेफिनेशंस देते हैं, जैसे बेसिक वैल्यूज ऑफ सिक्योरिटी, फ्रीडम, ऑर्डर, जस्टिस, वेलफेयर, ये सारी चीज़ें इंटरनेशनल रिलेशंस में आ जाती हैं. तो आप इनकी डेफिनेशंस को इंक्लूड कर सकते हो. अब इतनी डेफिनेशन इंक्लूड करने से हमारा जो ये मीनिंग और डेफिनेशन वाला कॉम्पोनेंट है ये कंप्लीट हो जाता है. अगर आपने आप BA थर्ड ईयर में हैं, ग्रेजुएशंस में हैं, और इतने से या आप चाहे BA LLB कर रहे हो, इतनी डेफिनेशंस को इंक्लूड कर दोगे मोर देन सफिशियंट है. तो मीनिंग एंड डेफिनेशन वाला पार्ट क्लियर? एनी डाउट गाइस? अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में बता देना आप, ठीक है. नेक्स्ट चलते हैं कि नेचर एंड इंटरनेशनल रिलेशन, नेचर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस. तो अब सेकेंड पार्ट है हमारे क्वेश्चन का, नेचर क्या है इंटरनेशनल रिलेशन का. तो जो नेचर ऑफ द सब्जेक्ट रिफर्स टू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सब्जेक्ट. नेचर की मीनिंग क्या है? इंटरनेशनल रिलेशन या किसी भी टॉपिक या सब्जेक्ट का जब नेचर पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, तो नेचर का मतलब होता है कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है उस सब्जेक्ट की, उस डिसिप्लिन की या उस टॉपिक की, बेसिक फीचर्स क्या है, राइट? ये हमें लिखना होता है वहाँ पर. तो इन दैट सेंस द नेचर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस आर फॉलोइंग. पहला, चेंजिंग नेचर है. इंटरनेशनल रिलेशन की पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पहला फीचर क्या है? इट इज़ चेंजिंग इन नेचर, इट इज़ नॉट डायनेमिक, राइट? सो इंटरनेशनल रिलेशन क्या है? डायनेमिक नहीं है. इंटरनेशनल रिलेशन इज थ्रू एनालिसिस ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स. इंटरनेशनल रिलेशन क्या है कि जो कुछ भी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में हो रहा है उसका एनालिसिस है. फॉर एग्जाम्पल, अभी हमारे रिसेंट में क्या चल रहा है, रसिया एंड यूक्रेन वॉर चल रहा है एक तरफ. दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो जो US की स्पोक पर्सन है, उन्होंने रिसेंटली ताइवान में विजिट किया है, जिसकी वजह से US एंड चाइना के बीच में टेंशन देखने को मिल रही है, राइट? तो एक ये सब ये एग्जाम्पल, ये करेंट एग्जाम्पल हैं, और आप इनको इस्तेमाल करो अपने आंसर में. कि जैसे आपने चेंजिंग नेचर ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशन, तो आज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में किस चीज़ की बात हो रही, किस चीज़ का डिस्कशन चल रहा है, किस चीज़ के रूप में जो पॉलिसीज हैं वो चेंज हो रही हैं, जो वट एवर इज़ हैपनिंग इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स. एंड वॉट इज़ हैपनिंग राइट नाउ, रसिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, USA के स्पोक पर्सन ने ताइवान पे विजिट किया, जिसकी वजह से USA चाइना का जो जो टेंशन था वो और ज़्यादा बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया है. तो ये रिसेंट एग्जाम्पल को ज़रूर से डालना अपने उसमें, समझ रहे हो आप? अफगानिस्तान से बैक किया USA ने, वहाँ पर जो अनरेस्ट आया वो कर सकते हो आप. तो ऐसे एग्जांपल्स करंट डालना ही डालना है. तो चेंजिंग नेचर ऑफ, तो हम इसे कैसे दिखाएंगे कि चेंजिंग नेचर कैसे रहा है, कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर, जो वर्ल्ड वॉर टू था, उसके बाद देखेंगे कि ह्यूज शिफ्ट आता है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में. कैसे? उस टाइम पे टू पोल्स क्रिएट हो जाते हैं, एक USA लेड होता है, एक USSR लेड होता है, राइट? और ये नाटो एंड वार्सा पैक्ट को स्टाब्लिश करते हैं. फिर 1990s में आप देखेंगे कि USSR है वो कोलैप्स हो जाता है कोल्ड वॉर के बाद में, तो एक सुपर पावर बचती है जिसको सिंगल पोलैरिटी कहा जाता है, वो बचता है USA. अब आप देखोगे कि प्रेजेंट टाइम में इकोनॉमिकली ग्रोइंग एशियन कंट्रीज सच एज चाइना, इंडिया, सिंगापुर, वियतनाम एंड वेरियस साउथ अमेरिकन कंट्रीज सच एज ब्राज़ील significantly influencing the world politics. So it is clear that international politics is moving towards multipolar again. तो इस तरीके से आप देखोगे कि
वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जैसे जैसे चेंजेस आते हैं, जो नेचर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन है वो भी चेंज होता रहता है। तो इस बात से हम ये जस्टिफाई कर रहे हैं इस एक्सप्लेनेशन की हेल्प से कि कैसे इंटरनेशनल रिलेशन चेंजिंग नेचर का है। समझ आया आपको कि चेंजिंग नेचर का कैसे है ये? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट नेचर, नेचर का जो पॉइंट है या नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। आईआर अब कैसे इंटरडिसिप्लिनरी है इन नेचर? इंटरनेशनल रिलेशन इज एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड ऑफ स्टडी विच इंक्लूड अदर डिसिप्लिन इन सोशल साइंसेज सच एज हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, फिलोसफी, जियोग्राफी, कल्चर, बहुत सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। हिस्ट्री कैसे? फॉर एग्जाम्पल कॉमनवेल्थ है, अभी प्रेजेंट में कॉमनवेल्थ के गेम चल रहे हैं ना, तो कॉमनवेल्थ का जो ग्रुप है आप इसको देख सकते हो कहीं ना कहीं हिस्ट्री से इन्फ्लुएंस्ड है, ये हिस्ट्री से ओरिजिनेट हुआ है। जो भी ब्रिटिश कॉलोनीज थी या अदर कॉलोनियल कंट्रीज थी वही इस ग्रुप का हिस्सा बनी। इसके बाद से कल्चर से कैसे इंटरनेशनल रिलेशन, आप देखेंगे कि इंडिया कल्चर को सॉफ्ट पावर के रूप में काम करता है, के रूप में यूज़ करता है जब हम आसियान के साथ अपने रिलेशन बनाते हैं। आसियान कंट्रीज़ के साथ में बुद्धिज़्म को हम अपनी सॉफ्ट पॉलिसी के रूप में यूज़ करते हैं। इसके बाद से फिलोसफी, जियोग्राफी, जियोग्राफी से आप देखोगे कि इंडो पैसिफिक ओशियन पे आप देखेंगे इस टाइप इंडिया का अच्छा डोमिनेंस है, क्वाड का हिस्सा है इंडिया। तो इस इमर्जिंग इकोनॉमी है ये हमारे इंटरनेशनल डोमेन में इंडिया की इमेज को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथेन कर रहा है क्योंकि इंडिया की इमर्जिंग इकोनॉमी है। तो इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट हो गया, बहुत सारी मल्टीपल सोशल साइंसेस की हेल्प से हम इंटरनेशनल रिलेशन को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है कि स्टेट इज द प्राइमरी एक्टर इन आईआर। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है नेचर की? स्टेट इज द प्राइमरी एक्टर। इंटरनेशनल रिलेशन में आप प्राइमरली किसका स्टडी करते हैं? स्टेट के बारे में, राइट? कि स्टेट कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं, स्टेट का बिहेवियर क्या है और स्टेट के बिहेवियर का मेजर ड्राइविंग फोर्स क्या है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। नेक्स्ट है इंटरनेशनल इंटरेस्ट एंड पावर आर द कोर ऑफ आईआर। सो नेशनल इंटरेस्ट, बट ऑब्वियस है इंटरनेशनल रिलेशन में जब कोई भी कंट्री एक्ट करती है, निगोशिएट करती है या पार्टिसिपेट करती है तो उनका मेन एम क्या रहता है कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर पाएँ। प्रेजेंट में जब यूएस की स्पोक पर्सन ने ताइवान पे विजिट किया तो यूएस का अपना नेशनल इंटरेस्ट था, चाइना इसे अपोज कर रहा है वन चाइना पॉलिसी के नाम पर, तो इन चाइना इसे कंसीडर कर रहा है अगेंस्ट इट्स सवरानिटी, तो इसमें चाइना का नेशनल इंटरेस्ट है। गेटिंग इट? इंडिया, इंडिया आप देखेंगे कि पूरे वर्ल्ड पे अपने टर्म्स पे निगोशिएट कर रहे हैं क्योंकि इंडिया का अपना नेशनल इंटरेस्ट है। इंडिया यूएस के साथ अगर अपने रिलेशन, बायलेटरल रिलेशन को स्ट्रेंथन कर रहे हैं या नेबर कंट्रीज के साथ में, तो उनका अपने नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर कर रहे हैं, राइट? सो नेशनल इंटरेस्ट एंड पावर आर दी कोर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। तो इसमें आप एग्जांपल के हेल्प से इसे एक्सप्लेन करो। ये समझ में आ गया? नेक्स्ट है स्ट्रगल फॉर पावर। तो जैसे कि हॉन्स जे मर्गेंथाउ ने बोला था कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है इज द स्ट्रगल फॉर पावर। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या है? स्ट्रगल फॉर पावर है, हंस जी मॉर्गेंथाउ के अकॉर्डिंग। तो आप देखेंगे कि पहले यूएसए एंड यूएसएसआर स्ट्रगल कर रहे थे पावर के लिए कि कौन ज़्यादा पावरफुल है, कौन ज़्यादा डोमिनेट करेगा। फिर कोल्ड वॉर एंड होता है, यूएसएसआर कोलैप्स हो जाता है, वर्ल्ड वन सिंगल पोलर बन जाता है, राइट? यूएसए डोमिनेंस, यूएस की हेजेमनी एस्टैब्लिश हो जाती है पूरे वर्ल्ड में। अभी प्रेजेंट में आप देखोगे कि चाइना चैलेंज करता है यूएसए के पावर को, तो यूएसए उसे बैलेंस करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरीके अपनाता रहता है। तो ये क्या है, पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में आप देखेंगे कि क्या है, स्ट्रगल फॉर पावर चल रहा है। यूएसए अपनी हेजेमनी मेंटेन रखना चाह रहा है, चाइना यूएस की हेजेमनी को चैलेंज करके खुद सुपर पावर बन रहा है, उधर इंडिया एम्बिशंस रख रहा है सुपर पावर बनने की, विश्व गुरु बनने की। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या है, इट्स ऑल अबाउट स्ट्रगल फॉर पावर एज फार एज द मॉर्गेंथाउ व्यू इज कंसर्न, राइट? सो पावर पॉलिटिक्स इज द की थीम ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कंटिन्यूअस इंटरेक्शन एमंग नेशन एंड स्टेट।
इंटरनेशनल रिलेशन क्या है? इज अ कॉन्टिन्यूअस इंटरेक्शन एमंग द नेशन स्टेट। अब ये कॉन्टिन्यूअस क्यों है? क्योंकि प्रेजेंट वर्ड है, ये सेल्फ सफिशियंट नहीं है। जो कंट्रीज हैं वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं, राइट, अपनी नीड को पूरी करने के लिए। सो ये जो इंटरकनेक्टेडनेस है, दैट इज पॉसिबली ओनली बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन अमंग द डिफरेंट स्टेट। तो इंटरनेशनल रिलेशन क्या है? डिस्कस द फॉरेन पॉलिसी ऑफ डिफरेंट स्टेट एंड हाउ दे बिहेव ईच अदर, हाउ दे सेफ गार्ड देयर नेशनल इंटरेस्ट। इट्स ऑल अबाउट दैट। नेक्स्ट क्या है? इंटरनेशनल रिलेशन इज अ एनालिटिकल एंड एम्पिरिकल स्टडी फॉर थ्योरी बिल्डिंग। तो ये क्या है? इंटरनेशनल क्या है? जो हमारा एम्पीरिक और एनालिटिकल एनालिसिस निकालते हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स का, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, उसके बेसिस पे हम कई सारी थ्योरीज डेवलप करते हैं, जैसे कि आइडियलिस्ट थ्योरी, नियो लिबरल थ्योरी, लिबरल थ्योरी, नियो रियलिज्म थ्योरी, ये सारी थ्योरीज को हम बिल्डअप करते हैं। तो यहाँ से हमने जो नेचर वाला पोर्शन है वो कवर कर लिया। नेचर में हमने क्या इंक्लूड किया? मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सब्जेक्ट, जिसमें कि चेंजिंग नेचर फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक स्टेट इज द प्राइमरी एक्टर इन IR, फोर्थ है कि नेशनल इंटरेस्ट एंड पावर आर द कोर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल इज ऑल अबाउट द स्ट्रगल फॉर पावर, इंटरनेशनल रिलेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस इंटरेक्शन एमंग नेशन स्टेट, इंटरनेशनल रिलेशन इज एनालिटिकल एंड एम्पीरिकल स्टडी फॉर द थ्योरी बिल्डिंग। सो दीज आर द नेचर ऑफ IR। नेक्स्ट अब थर्ड पार्ट में क्वेश्चन के मूव करते हैं, दैट इज द स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। अब हम स्कोप में क्या चीज़ें इंक्लूड करेंगे पहले समझने के, इसके स्कोप में आप उन सारे एरियाज को कवर करते हैं जो जो स्टडी किया जाता है अंडर द इंटरनेशनल रिलेशन। सो इंटरनेशनल कम्युनिटी इज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, ओके। फिर आप देखेंगे कि इंटरनेशनल रिलेशन इज डिस्टिंक्ट कैरिकुलम हैज फॉलोड दैट ट्रेंड इंटरनेशनल सोसाइटी सिंस 1930s। पहली बार आपने देखा था कि वुड्रो विल्सन चेयर बनाई गई थी 1919 में, वहां से एक सेपरेट एकेडमिक डिसिप्लिन IR के रूप में शुरू होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कोई परमानेंट लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते हैं स्कोप ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशन के बीच में। सो आपने ऊपर हमने जो डिस्कशन किया नेचर ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशन, तो यहाँ से एक आइडिया लग गया होगा हमें कि स्कोप क्या है इंटरनेशनल रिलेशन का। तो हम डिफरेंट पॉइंट में से स्टडी कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट है स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ अ स्टेट इन इंटरनेशनल रिलेशन। IR में हम क्या करते हैं? व्हाट इज द फर्स्ट स्कोप ऑफ IR? स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ स्टेट्स। तो हम IR में स्टेट के बिहेवियर को स्टडी करते हैं, दिस इज द फर्स्ट स्कोप। तो अब बिहेवियर कैसा है कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी प्रेजेंट में जो US एंड चाइना का ट्रेड वॉर चल रहा है, ये क्यों चल रहा है, ये कंट्रीज ऐसे क्यों बिहेव कर रही हैं? तो आप स्टडी करेंगे तो पाएंगे कि ये सब जो स्ट्रगल फॉर पावर के लिए है, दोनों कंट्रीज अपनी अपनी हेजेमनी एस्टैब्लिश करने की बात कर रही हैं। USA अपनी पावर जो हेजेमनी है उसको एस्टैब्लिश कंटिन्यू करना चाहता है, चाइना इस US की हेजेमनी को चैलेंज कर रहा है। तो ये इस तरीके से दोनों के बिहेवियर को आप समझ सकते हो यहाँ पर। तो IR इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ स्टेट इन द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। दूसरा, रसिया यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है क्यों चल रहा है, बहुत सारी कंट्रीज इसको सपोर्ट कर रहे हैं, कोई अपोज कर रहा है, तो ये सब ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं। तो यहाँ बिहेवियर में आप दो चीज़ें देखेंगे IR में, एक होगा कोऑपरेशन होगा, एक जगह कॉन्फ्लिक्ट होगा। कुछ कंट्रीज होंगी जो कोऑपरेट कर रही होंगी, कुछ उसमें कॉन्फ्लिक्ट हो रहा होगा। सो इंटरनेशनल रिलेशन इज ऑल्सो अ मैटर ऑफ फॉर्मिंग अलायंसेस। जो कंट्रीज कोऑपरेट करेंगी वो अलायंसेस बनाएंगे, और जो कॉन्फ्लिक्ट करेंगी वहाँ पर क्राइसिस आएगा। तो पहला स्कोप हो गया आपका। नेक्स्ट स्कोप है कि IR इज द स्टडी ऑफ द रोल ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स इन द इंटरनेशनल फील्ड। व्हाट इज द नॉन स्टेट एक्टर्स? दैट इज बियॉन्ड द स्टेट, दैट डू नॉट रिवॉल्व ओनली अराउंड द एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट एंड इट्स फॉर्मल इंस्टीट्यूशन। दे आर बियॉन्ड द एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट एंड फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस, राइट।
स्टेट इज नॉट द ओनली एक्टर इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी। स्टेट जो सबरिन स्टेट होते हैं, नॉन स्टेट जिनका स्टेट से कोई लेना देना नहीं है, जो नॉन स्टेट है ये नॉन सबरिन है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे आप जैसे इंडिविजुअल्स ने कोई ग्रुप बना लिया, या मैं और आप जैसे कोई इनफॉर्मल ग्रुपिज्म कर लिया, ये क्या है? नॉन स्टेट एक्टर है। बहुत सारे एनजीओज होते हैं, एमएनसीज होते हैं, ये क्या है? ये सारे ग्रुप क्या है? ये सारे क्या है? नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। गेटिंग इट? तो इनका भी स्टडी, इनकी एक्टिविटीज क्या हैं, कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं स्टेट को, जैसे कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस, राइट, अदर एमएनसीज, नाटो, वार्सा पैक्ट, आसियान, ये सारी चीज़ें, तो हम इनका स्टडी करते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन ऑफ वॉर एंड पीस। तो इन द आईआर वी स्टडी द क्वेश्चन ऑफ वॉर एंड पीस। टुडे इंटरनेशनल रिलेशन आर नॉट फ्री फ्रॉम द डिस्कशन ऑफ द डिटर्मिनेशन टू सेव मैनकाइंड फ्रॉम द वॉर। वॉट वॉज यूटोपियन इन द पास्ट इज बिकमिंग मोर एंड मोर रियलिस्टिक टूडे। तो कहते हैं कि जो इंटरनेशनल जो रिलेशन है, दैट इज़ नॉट फ्री फ्रॉम द वॉर। ये रियलिस्टिक अप्रोच है। ये कहते हैं कि वॉर को हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। सो द मेन पर्पज ऑफ द एस्टैब्लिशिंग यूनाइटेड नेशंस। तो जब यूनाइटेड नेशन को एस्टैब्लिश किया गया, तो उसका मेन पर्पज क्या था? टू सिक्योर द वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी। बट आप देखेंगे कि इज वॉज इट पॉसिबल? सो लॉर्ड्स एंड रीजनल पावर आर ऑफन एक्सचेंजिंग व्यूज टू क्रिएट एन एटमोसफियर ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी एंड ऑल काइंड ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ द वेरियस एक्सचेंज एंड ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस इन कल्चरल एंड अदर फील्ड्स आर ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, राइट? एंड ऑल दिस हैज़ बिकम द सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। तो स्कोप को, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि हम स्कोप में क्या चीज़ें इंक्लूड करते हैं, कि एरिया ऑफ स्टडीज़ क्या है, सब्जेक्ट ऑफ स्टडी क्या है, वो चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। तो इंटरनेशनल रिलेशन में आप वॉर, पीस, इन सब चीज़ों के बारे में भी पढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि स्टडी ऑफ द फॉरेन पॉलिसी। आईआर में आप फॉरेन पॉलिसी के बारे में भी पढ़ते हैं। तो इम्पॉर्टेंट इशू है इंटरनेशनल रिलेशन का, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी में हम अपने एम्स, हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट होते हैं, नेशनल एम्स होते हैं, नेशनल ऑब्जेक्टिव होते हैं, वो सारे उनका डिस्कशन होता है, और फॉरेन पॉलिसी में हम उनको अचीव करने की कोशिश करते हैं। सो जो तो इन द पास्ट किंग्स और प्राइम मिनिस्टर अ फ्यू इंडिविजुअल प्लेड एक्टिव रोल इन डिटरमाइनिंग द फॉरेन पॉलिसी। टुडे नॉट ओनली स्टेटमेंट बट ऑल्सो द लेजिस्लेचर एंड मेनी सिटीजन्स आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मुलेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी। फॉर एग्जाम्पल, आप प्रेजेंट में देखेंगे कि जो इंडियन डायस्पोरा है, जो NRIs हैं, इंडिया के जो बाहर रह रहे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं फॉरेन पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने में, उसको इन्फ्लुएंस करने में, और बहुत हद तक हेल्प करते हैं उसको अचीव करने में, क्योंकि इंडियन डायस्पोरा को आपका सपोर्ट मिलता है फॉरेन कंट्रीज़ में, फॉरेन लैंड में। नेक्स्ट है आईआर इज द स्टडी ऑफ नेशन स्टेट। नेशन स्टेट में हम क्या चीज़ पढ़ेंगे कि एथिकल कंपोजिशन क्या है, जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, रिलीजन एंड आइडियोलॉजी क्या है, और ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, राइट? सो इंटरनेशनल रिलेशन नीड्स टू डिस्कस ऑल दीज डिफरेंसेज इन डिटेल। व्हेन द सोशल एनवायरमेंट इज डिफरेंट, His relations falls on the international relation. इसी को कहते हैं like-minded countries. जैसे कि like, for example, quad को कहा जा रहा है कि it is a group of the like-minded countries. Like-minded क्यों? क्योंकि ये जो चार countries हैं quad में, ये क्या कर रहे हैं? ये जो China का assertiveness है, China की जो aggressive policy है, उसको contain करना चाहते हैं। ना China की जो इस समय assertiveness है पूरे world पे, उसको challenge देना चाहते हैं। सो ये क्या है, स्टडी ऑफ नेशन स्टेट पे हम डिफरेंट नेशन स्टेट की वेरियस फैक्टर्स को स्टडी करके हम अपने हिसाब से देखते हैं कि हमारे लिए सुटेबल कौन है, लाइक माइंडेड कंट्रीज कौन सी हैं जिनके साथ में बायलेटरल रिलेशंस अच्छे किए जा सकते हैं। गेटिंग इट? नेक्स्ट चलते हैं इंटरनेशनल रिलेशन। सो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस।
सो आप इंटरनेशनल रिलेशन के तहत इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का भी स्टडी करते हैं कि ये सब कैसे फॉर्म होते हैं, इनकी मेंबरशिप क्या होती है, इनके वर्क क्या होते हैं, इंगेजमेंट कैसे होगा, ये सारी चीज़ें। फिर ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज़, ये तभी रिसेंट मुद्दा है जो 1970s के बाद में आया, जिसमें डिस्कस करते हैं इशू ऑफ क्लाइमेट, ग्लोबल वार्मिंग, और इस इश्यूज़ के लिए आप कई सारे एग्रीमेंट्स बनाए जाते हैं, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट एट्सेट्रा। रोल ऑफ पीपल इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, सो इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक एंड पब्लिक ओपिनियन इन द इंटरनेशनल अरेना इज ऑल्सो एक्सपैंडिंग, राइट? एंड ऑफ इम्पेरियलिज्म फ्रॉम द इंटरनेशनल, डिसआर्ममेंट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, ये सब मूवमेंट जो हुए हैं इन्होंने इंस्पायर किया है एंड प्रोटेस्ट बाय द पीपल इन द डिफरेंट कंट्रीज। सो ये एक तरीके से थिंक टैंक का काम करते हैं, ओपिनियन बिल्डअप करते हैं कि किस तरीके से इंटरनेशनल रिलेशन को मोल्ड किया जाए। नेक्स्ट है रोल ऑफ द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, इनका स्टडी करते हैं कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का रोल क्या है। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज क्या है, जो कभी ना कभी कॉलोनीज रही हैं और ये इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस एक एक लंबे समय के जो नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल है उसके बाद गेन की है, वो जैसे कि इंडिया ने। तो ये सारे जो कंट्रीज हैं ये क्या हैं, इनमें स्टडी करना कि किस तरीके का पॉलिटिकल सिस्टम है, किस तरीके का पॉलिटिकल डेवलपमेंट वहाँ चल रहा है, वहाँ पे एंडिंग ऑफ कॉलोनियल रूल कैसा रहा है, एंड डिसआर्ममेंट का क्या इशू है, ये सारी चीज़ें का, नॉन अलाइनमेंट जो मोमेंट चला था उसका, तो ये सारी चीज़ों को स्टडी करते हैं। सो देयरफॉर द रोल ऑफ थर्ड वर्ल्ड इन पॉलिटिक्स इज ऑल्सो रेलेवेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन, एंड द स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन इज बिकमिंग वाइडर एज इट डिस्कस वेरियस इशूज ऑफ डायनामिक नेचर, राइट? तो ये हो गया आपका स्कोप के बारे में। नेक्स्ट एक और कॉम्पोनेंट आता है कि इम्पॉर्टेंस क्या है, पर्पस क्या है टू स्टडी द इंटरनेशनल रिलेशन। तो सिंपल पॉइंट में मैं बताऊं तो यही है कि आपका क्या है, कोई भी नेशन स्टेट सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, ये क्या है, इंटरडिपेंडेंट है अपनी नीड्स के लिए। इसकी वजह से ये आपस में क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं। तो जब इंटरैक्शन करेंगे तो अपने नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर करने की कोशिश करेंगे, नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए फॉरेन पॉलिसी फॉर्मुलेट करेंगे। तो इन सब के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशन चाहिए, राइट? तो इंटरनेशनल रिलेशन हैज़ बिकम एन एसेंशियल पार्ट ऑफ सोशल साइंसेज इन एवरी कंट्रीज। The importance of international relations is growing, not only as a subject included in political science curriculum, but also as a separate academic discipline. It is not possible to solve the problems of a country in isolation, yet to meet the growing needs in different kind. So, in order to meet its own economic, cultural, and other needs, each state has to voluntarily enter into bilateral or multilateral agreements. राइट? क्योंकि कई सारी चीज़ें इंडिया में होती हैं, कई सारी चीज़ें इंडिया में नहीं है, तो हम फॉरेन से इंपोर्ट करते हैं, कई सारी जगह हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के थ्रू क्या है, हम चीज़ों को एक्सचेंज कर रहे हैं, आइडियाज़ को एक्सचेंज कर रहे हैं, कल्चर को एक्सचेंज कर रहे हैं, स्किल्स को एक्सचेंज कर रहे हैं, एक्सपर्टीज को एक्सचेंज कर रहे हैं, जिससे कि म्यूचुअल नीड्स हमारे फुलफिल हो रहे हैं, राइट? So there is a currently no doubt about the usefulness of the international relation. So इस तरीके से आप देख सकते हो कि कितना ज़रूरी है international law, trade, peaceful resolution, right? इन सब चीज़ों के लिए बहुत mutual security, peace, world order, ये सब बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है international relation का study करना। तो आपको समझ आ गया होगा कि क्यों important है आपका international relation। नेक्स्ट चलते हैं कंक्लूजन पार्ट में। सो अब हम अपने आंसर को कंक्लूड करेंगे। फ्रॉम द अबव डिस्कशंस ऑन मीनिंग, नेचर, स्कोप एंड इंटरनेशनल रिलेशन, इट कैन बी कंक्लूडेड दैट फ्रॉम द अबव डिस्कशन ऑन मीनिंग नेचर, इट कैन बी कंक्लूडेड दैट कि जो एंशियंट एम्पायर्स टू मॉडर्न टाइम्स, दैट इज पोस्ट वर्ल्ड टू, वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड सिस्टम, ग्लोबलाइजेशन एंड सोवियत एक्सटेंशन,
एंड द फेमस कोल्ड वॉर, थर्ड वर्ल्ड सिस्टम आर द इंटरनेशनल नॉन्सेस एंड दैट द स्टिल कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एंड सर्कुलेटिंग. सो इंटरनेशनल पीपल टूवर्ड्स पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी, सो इट इज हैज़ प्रेजेंटेड द नेचर ऑफ डिसयूनिटी एमंग द डिफरेंट नेशंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन कैन नॉट बी एनालाइज्ड बाय मेरली सेंटिमेंटलिटी. They discuss the socio-economic structure of the various countries. Sorry guys. तो आप यहाँ देखेंगे कि आपने इस तरीके से और भी आप इसे कंक्लूड कर सकते हैं, किसी स्कॉलर्स की स्टेटमेंट को देते हुए कंक्लूड कर सकते हो या कुछ अपनी स्टेटमेंट देकर कंक्लूड कर सकते हो, और भी बहुत सारे कंक्लूजन हो सकते हैं. मेन है कि हमारा स्ट्रक्चर इस तरीके का होना चाहिए. तो एक बार मैं क्विक रिवीजन दे दूँ आपको कि हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की हैं आज. तो पहले हमने कंक्लूजन कि इंटरनेशनल रिलेशन कैसे इवॉल्व हुआ है उस पे देखा. फिर इसके बाद हमने मीनिंग एंड जो मीनिंग एंड डेफिनेशन से इस पोर्शन को डिस्कस किया, जिसमें हमने पामर पार्किंस, हॉन्स जे मॉर्गेंथाउ, क्वेंसी राइट, जैक्सन एंड सोर्सन एंड गोल्डस्टीन की डेफिनेशन को इंक्लूड किया. नेक्स्ट हमने समझा नेचर क्या है, जिसमें हमने कई सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया कि चेंजिंग नेचर कैसे है, ये इंटरडिसिप्लिनरी कैसे है, स्टेट इज़ द प्राइमरी एक्टर कैसे हैं, नेशनल इंटरेस्ट एंड पावर आर द कोर ऑफ आईआर, स्ट्रगल फॉर पावर, कॉन्टिन्यूस इंट्रैक्शन अमंग नेशन, एनालिटिकल एंड एम्पीरिकल स्टडी फॉर थ्योरी बिल्डिंग. इसको मतलब एरिया ऑफ अ स्टडी या सब्जेक्ट ऑफ अ स्टडी क्या होता है, तो हम स्टेट के बिहेवियर को स्टडी करते हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स को स्टडी करते हैं, वॉर एंड पीस के कॉन्सेप्ट को देखते हैं, फॉरेन पॉलिसी का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, हम नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का स्टडी करते हैं, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को स्टडी करते हैं, पीपल्स का क्या रोल है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये स्टडी करते हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ क्या हैं, कैसे इमर्जेंस में आई, वहाँ पर सिस्टम कैसा है ये स्टडी करते हैं. लास्ट में हमने देखा कि इंटरनेशनल रिलेशन की इम्पॉर्टेंस एंड पर्पज़ ऑफ द स्टडी क्या है, हम क्यों पढ़ते हैं, उसको हमने देखा. देन लास्ट में हमने अपने आंसर को कंक्लूड किया. तो ये फ्रेमवर्क लेकर अगर आप डिसाइड करेंगे और इसी को लेकर एग्जाम में अपना आंसर लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ट्रस्ट मी गाइस. तो आप हर जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं बहुत ही फ्रिक्वेंटली, उनके ऐसे फ्रेमवर्क तैयार कर लो और उस आंसर को समझ लो कि हम ये फ्रेमवर्क अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम अपना आंसर इस फ्रेमवर्क में लिखेंगे, जिसमें हम ये बेसिक चीज़ें हमें इंक्लूड करना ही करना है और इनको हमें अंडरलाइन करना है. इतना अगर आप ये इतनी बेसिक सी हैबिट्स ला लेते हैं अपने सेमेस्टर्स में, आपको कोई भी टॉप करने से रोक नहीं सकता, ट्रस्ट में. और आप अगर ऐसा किसी के साथ होता है जो इसे अडॉप्ट करके उसे अच्छे मार्क्स मिलते हैं, तो वापस मेरे वीडियोस में आके कमेंट जरूर करना मुझे. तो होप सो कोई डाउट नहीं होना चाहिए. आज हमने क्वेश्चन फ्रेमिंग भी सीखी और हमने कॉन्सेप्ट को समझा कि मीनिंग, नेचर, स्कोप, ये सब क्या चीज़ें होती हैं, और हमने कई सारे थिंकर्स को भी इंक्लूड किया है. तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डाउट होगा अभी इस टॉपिक या इस कॉन्सेप्ट में. बट स्टिल इफ देर इज़ एनी डाउट, यू कैन कॉमेंट मी कि हाँ इस पर डाउट है, आई कैन एक्सप्लेन दैट इन द नेक्स्ट वीडियो. आई विल ट्राई टू कवर द एवरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द इंटरनेशनल रिलेशन इन दिस सेशन ओनली, इन दिस सीरीज ओनली. और यस, थैंक, दिस इज ऑल फॉर टुडे गाइज. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. एंड इफ़ यू लाइक माई कंटेंट, इफ़ यू लाइक माई वीडियोज, अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है, आपको समझ आ रहा है मेरे पढ़ाने से, तो प्लीज़ मुझे फीडबैक ज़रूर देना. इट विल हेल्प मी टू इम्प्रूव फर्दर. एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग मी. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग.